तो दोस्तों ये है पीवीसी पाइप, इससे बनाएंगे हम एक होम थिएटर। ठीक है, अब हम सबसे पहले इसकी कटिंग कर लेते हैं, इसकी शीट बनाएंगे और सबसे पहले हम इसमें से कटिंग करेंगे सैटेलाइट स्पीकर के लिए और फिर बॉक्स के लिए। तो हम फटाफट से इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे दो सैटेलाइट स्पीकर के पीस कट चुके हैं और अब हम इस बड़े वाले पीवीसी पाइप से अब हम बनाएंगे बॉक्स के लिए सीट। तो ये हमारे पास दो टुकड़े हैं बड़े वाले, अब हम इसको फटाफट से कटिंग कर लेते हैं। तो इसको काटते हैं हम पहले और फिर इसकी सीट बनाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये हमारी सीट बन के तैयार हो चुकी हैं, ये हमने 6 सीट कटिंग करी है इसकी, दो आगे पीछे के फ्रंट हैं और बैक है और दो ऊपर नीचे के और दो ये साइड के पीस बना लिए हैं हमने। ठीक है दोस्तों, अब इन्हें हम फटाफट से जोड़ते हैं। तो आइए इन्हें जोड़ना शुरू करते हैं और पहले हम इसको इस तरीके से जोड़ेंगे और पहले एक सीट उठा के बड़े वाली हम इससे इसको सीधा है बिल्कुल ये चेक कर लेंगे और अब ये सीधा है बिल्कुल और यहाँ पर हम ग्लू लगाते हैं फैब्रिक बॉन्ड से, हम इसको चिपकाते हैं। तो आपको दिखाते हैं बॉक्स बना के। तो दोस्तों ये हमारा बॉक्स बन के रेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम इसमें ये लगाएंगे आगे का फ्रंट और ये पीछे का बैक पैनल, लेकिन इसे लगाने से पहले हम इसमें एक होल करेंगे एयर पास के लिए और एक होल करेंगे सब बूफर के लिए। तो आइए इसकी फटाफट से हम कटिंग कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हमने इसमें निशान लगा लिए हैं सब बूफर के और ये एयर पास के लिए हमने निशान लगा लिया है। तो अब हम इसमें होल कर रहे हैं और ये होल हम आयरन की मदद से कर रहे हैं। तो पीवीसी सीट में बड़े आसानी से आयरन से हो जाता है, तो आप भी आयरन से कर सकते हो। तो चलिए इसमें होल करके दिखाते हैं आपको फटाफट से। तो दोस्तों ये हमारा होल हो चुका है और एयर बैंड हमारा कुछ इस तरीके से लग जाएगा, इसको हम बाद में चिपकाएंगे फैब्रिक बॉन्ड से और एम सील की मदद से। और ये हमारे बूफर के लिए थोड़ा सा इसमें 19-20 की कमी रह गई है, हमारा बूफर इसमें जो फिट आ जाए, तो हम इसको आयरन की मदद से फिर से इकसार कर लेते हैं और आपको इसमें दिखाते हैं बूफर लगा के। तो ये दोस्तों हमारा इस पर बूफर स्पीकर हमने सेट कर दिया है और एयर पास भी हमने सेट कर दिया है। तो अब हम इसको करते हैं बॉक्स के अंदर फिट। तो इस वीडियो को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। तो दोस्तों ये हमारा बॉक्स पूरा बन के आधा तैयार हो चुका है और ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आगे का फ्रंट हमने इसका चिपका दिया है। तो दोस्तों अब हम ये हमने सैटेलाइट स्पीकर भी इसके तैयार कर लिए हैं, ये भी हमने कुछ इस तरीके से चिपका दिए हैं और ये कुछ इस कदर दिख रहे हैं। देखिएगा हमारा होम थिएटर बन के कुछ इस तरीके से लग रहा है, देखो कितना सुंदर लग रहा है ये। और मेरे हाथ में आपको एम सील लगी दिख रही होगी, तो थोड़े हाथ काले पीले हो गए हैं क्योंकि हमने जो है बॉक्स के साइडों में हमने एम सील भर दिए ताकि कहीं से एयर लीकेज ना हो। और ये हमारा बनने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो आइए अब हम इसको थोड़ा सूखने देते हैं और इसके बाद फिर हम इस पर रेगमाल लगा के और फिर हम इस पर करते हैं पेंट। तो दोस्तों इस पर पेंट करने से पहले हम इसका बैक पैनल भी लगा लेते हैं। तो इसका ये बैक का फ्रंट और
हमने इस पर लगाने से पहले इसके पीवीसी पाइप की सी एस सीट कट करके आधा आधा इंच की हमने पीस कट करके ये साइडों में लगा दिए हैं, ताकि पीछे का बैक पैनल जो है हम इसी पे इसको लगा देंगे, ताकि इसमें हम स्क्रू से इसको टाइट करेंगे ताकि हम इसको खोल भी सकें। और ये सीट हमारी थोड़ी सी इसमें फ़िट नहीं बैठ रही है, तो हम इसको सैंड पेपर पर थोड़ा सा घिस के और अब हम इसको इस पर लगाते हैं। तो ये हमारी सीट बिल्कुल इस पर फिट आ गई है, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारी सीट बैठ गई है। तो आइए अब हम इस पर करते हैं, थोड़ा सैंड पेपर से हम इसको घिस लेते हैं, तो इससे हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो चलो वीडियो को करते हैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड। तो दोस्तों ये हमारा रेगमाल लगकर रेडी हो चुका है और हमने इसको सैंड पेपर से घिस के कर लिया है क्लीन, और अब हम इस पर करेंगे पेंट दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं इस पर पेंट करना। आइए हम इस पर आगे के फ्रंट पे येलो कलर का पेंट कर रहे हैं, क्योंकि येलो कलर का पेंट की डिमांड जो थी हमारे जो कैमरा मैन है इनकी पसंद थी, ये खुद लगा कर लाए हैं कि पापा आगे जो है फ्रंट पर येलो कलर करेंगे और बैक पर साइडों में ब्लैक कलर करेंगे। तो चलिए दोस्तों अब इस पर हम पेंट जल्द फटाफट से पेंट कर देते हैं। हमारे कैमरामैन बहुत खुश हो रहे हैं, येलो कलर हो रहा है उनकी पसंद का। तो क्योंकि हमारे कैमरामैन अभी 8 साल के हैं, यही वीडियो को एडिटिंग करते हैं और यही वीडियो को अपलोड करते हैं, इससे ज़्यादा तो हमें नहीं आता है इसके बारे में ज़्यादा अभी। तो आइए चलो फटाफट से इस पर आपको पेंट करके दिखाते हैं और वीडियो को करते हैं फास्ट फॉरवर्ड। तो दोस्तों क्या नाम है, हमारा बूफर थोड़ा गंदा हो रहा था, तो हमने अपने बूफर पे भी पेंट कर दिया है, तो हमारा बूफर भी नया जैसा दिखने लगा है। और ये अब हमारा होम थिएटर जो है करीबन पेंट होकर रेडी हो चुका है, और इसको रेडी होते ही अब हम इसको रख देते हैं सूखने के लिए। तो दोस्तों ये होम थिएटर हमारा सूख के रेडी अभी नहीं हुआ है पूरी तरीके से, ये अभी गीला है दोस्तों, इसको 4 दिन हो चुके हैं सूखते, इसके इंतज़ार में हम सूख गए हैं, लेकिन अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। अब ये जितना सूखा है हम उतने में ही इस पर अपना काम करेंगे, ठीक है। तो इसके अब हम कनेक्शन करेंगे, और दोस्तों
बहुत मतलब कोई पागल ही होगा जो सर्दी में पेंट करेगा, इतनी ठंड हो रही है, इतना कोहरा पड़ रहा है, ऐसी ठंड में हमने इस पे पेंट कर दिया तो ये कैसे सूखेगा। तो दोस्तों सर्दी में कभी पेंट ना करें। वैसे हम पेपर का इस्तेमाल करते थे लेकिन थोड़ा जल्दी की वजह से हमने पेंट कर दिया, क्योंकि पेपर को आने में अमेजोन से 3-4 दिन लगते हैं लेकिन इसको तो सूखने में ही 4 दिन लग गए हैं। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं। तो वायरिंग के लिए अब हम इसको लेकर चलते हैं नीचे रूम में और इसकी करते हैं वायरिंग, और आप लोगों को बताते हैं कैसे इसके कनेक्शन करने हैं। तो दोस्तों इन भाई साहब को लेकर हम नीचे आ चुके हैं और इसकी अब हम आपको वायरिंग थोड़ा समझा देते हैं, क्योंकि हम लाइव वायरिंग आपको इसमें नहीं दिखा पाए हैं। हमारे कैमरामैन नहीं थे यहाँ पे, वो आश्रम गए हुए थे, तो इस वजह से हमने इसके कनेक्शन कर लिए। इसकी कोई ज़्यादा हार्ड वायरिंग नहीं है, आपको दिख रहा होगा क्या जंजाल सा हो रहा है। ये बोर्ड हम आपको पहले दिखा चुके हैं, इसकी एक वीडियो बना चुके हैं। तो दोस्तों ये हमने इसमें एक चिप वाला ब्लूटूथ लगाया है छोटा सा, क्योंकि ये ओक्स से चलता था पहले, ठीक है, पहले होम थिएटर था जिस बोर्ड में, उसमें होम थिएटर में। तो ये हमने चिप वाला ब्लूटूथ लगाया है और ये हमने मोबाइल चार्जर लगा दिया है इसको 5 वोल्ट देने के लिए, और ये हमने यहाँ पे ब्लूटूथ के कनेक्शन कर दिए। यहाँ पे इसमें ऑक्स लगती थी इनपुट के लिए, पहले इसमें ब्लूटूथ नहीं था, और ये यहाँ पे इसकी सैटेलाइट के लिए ऑक्स लगती थी, सैटेलाइट स्पीकर के लिए। तो सिंपल है, यहाँ पे हमने इसकी ब्लूटूथ के कनेक्शन यहाँ पे कर दिए, ये ग्राउंड दे दिया, और लेफ़्ट राइट हमने इसका सिग्नल के वायर दे दिए। यहाँ पे हमारे दोस्तों इसमें 6 पिन का वॉल्यूम लगा था, जहाँ पे हमें इसके ब्लूटूथ के कनेक्शन डायरेक्ट वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, ऑक्स पे से सीधा वॉल्यूम पे ही आ रहे थे, तो इसलिए हमने ब्लूटूथ हमने वहाँ लगा दिया है। और ये हमने यहाँ पे इसके वॉल्यूम लगा दिए हैं। अब दोस्तों इसमें 6 पिन का वॉल्यूम था तो वो हमारे पास था नहीं, तो हमने 3-3 पिन के 2 लगा दिए। ये इसका ग्राउंड है और ये इसका ग्राउंड है, तो दोनों का ग्राउंड हमने एक कर दिया है रेड कलर से, ठीक है दोस्तों। और ये इसका जो बीच वाला ब्लैक वायर है, ये इसका आउटपुट है, आउट निकलती है, और ये जो इसका साइड वाला इधर तीसरे वाला है वो इसका इनपुट है, यानी कि जो ब्लूटूथ से वायर हमारे घूम कर आ रहे हैं ना, वहाँ से कनेक्शन इस वॉल्यूम पे यहाँ आ रहे थे जो पुराना वॉल्यूम लगा था, तो वही पिन हमने ठा के यहाँ दे दी। और ये जो यहाँ हमारा रेड कलर लगा वायर लगा है ये हमारी उंगली के पास उधर, तो वो मतलब जो इसका ग्राउंड है, और जो वो इसका ग्राउंड है, और जो इसके ब्लैक वाले वॉल्यूम से वायर आ रहे हैं ये ब्लूटूथ का इन है। ये यहाँ से हमने ब्लूटूथ का कनेक्शन दिया है और ये ऐसे घूमते हुए सीधा वॉल्यूम पे जा रहा है। तो दोस्तों हमें आपको बाद में समझाना पड़ रहा है तो इसलिए थोड़ा आपको अजीब लग रहा होगा, तो वही हमने बाद में डाली है इसमें। तो ये हमारे वॉल्यूम के वायर हैं, यानी कि हमने ब्लूटूथ के कनेक्शन यहाँ दिए हैं और वो उसका ग्राउंड है वॉल्यूम का, और ये यहाँ पे जो वॉल्यूम से आउटपुट आ रही है, तो ये हमने इस वॉल्यूम के ट्रैक चेंज कर चेक करके, और हमने ब्लैक वायर वाले दोनों वायर इस ट्रैक के निशान पे ही लगा दिए हैं ब्लैक वाले के। और ऐसे ही हमारा ऑडियो इनपुट का जो ऑक्स था उस पर ही हमने ये वाइट वाले वायर लगा दिए हैं, और ये जो ब्लैक वाले वायर अब हम बता रहे हैं आपको, ये जो अब हम बता रहे हैं तो वो उस वॉल्यूम की आउटपुट पे से ही आ रहे हैं। तो एक हमने यहाँ लगा दिया, एक यहाँ, क्योंकि जो पुराना वाला वॉल्यूम था उसकी जो ट्रैक हमने चेक करके सीधे यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है, उस वाले ट्रैक को देखते हुए हमने यहाँ लगा दिया है। और ये हमने लगा दिया है यहाँ पे सब बूफर का वायर, और ये हमारी स्पीकर आउटपुट के लिए जो हमने इस वाली ऑक्स पे से लगाए हैं। अब ये बीच वाला जो वाइट वाला वायर है ये तो हमारा ग्राउंड का हो गया, और ये दोनों लेफ़्ट राइट चैनल के हो गए, ठीक है। ये हमारे जो है इस RC सॉकेट पे हमने इसके कनेक्शन कर दिए हैं, ये इसमें जिक पहले से लगी थी, ये CRT टीवी की RCS सॉकेट है, ये कलर टीवी की RCS सॉकेट है, तो इसलिए हमने ये लगा दिया है हमने सैटेलाइट स्पीकर को आउटपुट देने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, सिंपल से बिल्कुल कनेक्शन थे, और ये इसका ऑन ऑफ का पावर का स्विच है, ठीक है दोस्तों। तो अब हम इसको आपको साउंड टेस्टिंग इसकी कराते हैं, हम अभी इसको फिटिंग नहीं करेंगे, ठीक है, बाद में फिट करेंगे, और अभी इसको हम इसके अंदर रख के आपको ऐसे ही बचा देंगे। और ये देखिएगा आप हमारे हाथ, हम बता रहे थे ना आपको इसका पेंट ऐसा हो रहा है कि देखो क्या स्थिति हो गई है, और बड़े सुंदर लग रहे थे जिस टाइम हमने इस पे पेंट किया था, तो बड़े सुंदर पेंट में बहुत अच्छी चमक थी, लेकिन 5 दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए यार ये सूखा नहीं, लगभग 4 दिन, तो ये स्थिति है। तो कोई नहीं, अब हम इसकी साउंड टेस्टिंग करेंगे और इसको फिनिशिंग हम बाद में देंगे जब अच्छे से धूप निकल जाएगी, या ये पूरी तरीके से सूख जाएगा तो रेगमाल लगा करके इस पे पेंट हम दोबारा करेंगे,
या फिर इस पे पेपर लगाएंगे, होम थिएटर जो का जो पेपर आता है वो लगाएंगे। तो दोस्तों अब आपको हम इसकी साउंड टेस्टिंग कराते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा होम थिएटर साउंड टेस्टिंग के लिए बिल्कुल तैयार है, ठीक है। हमने इसको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लिया है और क्या नाम है, अब हम आपको इसकी साउंड टेस्टिंग दिखाते हैं। और ये रहा हमारा NCS बेस, हम प्ले करेंगे। ब्लूटूथ से हमने इसको कनेक्ट कर लिया है तो हम इसमें NCS बेस प्ले करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा इसका साउंड? इसका बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा साउंड है, बहुत ही अच्छा साउंड है। और ये देखिएगा आप, अभी हमने इसके पीछे से कोई पेच वगैरह नहीं लगाए हैं और इसमें हम पेंट भी बाद में करेंगे क्योंकि पेंट सूख नहीं रहा था। तो ये हमने इसकी सैटेलाइट की लगा दी, ये भी हमने पेंट नहीं किए हैं अभी, ठीक है। और ये इसके सैटेलाइट की आउटपुट है, ये इसके वॉल्यूम है। तो आपको कैसा लगा ये होम थिएटर? इसमें और कोई दिक्कत नहीं आई है, पेंट ना सूखने के कारण, और हमने दो दो बार और कर दिया इस पर, कभी कुछ ना कुछ इस पर चिपक ही जाता था, तो इस कारण से थोड़ा बड़ा गंदा गंदा सा भी मुझे लग रहा है। लेकिन जब ये सूख जाएगा तो इसको बढ़िया से साफ़ करके हम इस पर जब धूप निकलेगी तो एक बहुत अच्छे से इस पर पेंट करेंगे। और दोस्तों इसकी मतलब जो है साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी है, और मैं बता दूँ इतनी भयंकर भी नहीं है क्योंकि ये एक बहुत छोटा सा होम थिएटर है। इतना बड़ा भी इसका जो है हमने इंक्लोजर बना दिया है, बाकी इसका इतना बड़ा नहीं था। और हमने इसके अंदर जगह मतलब जो है ना भर दी गई है, सबवूफर के लिए जगह कम ही करी है हमने, ठीक है दोस्तों। तो लेकिन साउंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ये जो बूफर है वो इसी बोर्ड का था इंटेक्स का, इसलिए साउंड अच्छी आ रही है। और ये जो सैटेलाइट स्पीकर हैं हमारे, ये भी बहुत कमाल के हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ये स्पीकर हैं, ठीक है। तो इसलिए इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है। और आपको बता दूं मैं, काफ़ी बड़ा रूम है मेरा और उसमें उसके लिए बहुत बेस्ट है। और अगर जो मैं इसकी वाट की बात करूं, RMS पावर इसकी आउटपुट जो है वो है इसकी बस 20 वाट का, ये पूरा होम थिएटर है। ये जो हमारे होते हैं ना छोटे ब्लूटूथ स्पीकर, ये 5 वाट के होते हैं, 3 वाट के होते हैं, तो ये इस हिसाब से ये केवल 20 वाट का है। 10 वाट का इसका सबवूफर है और 5-5 वाट के हमारे सैटेलाइट स्पीकर हैं। तो इस हिसाब से टोटल जो है ये मतलब 20 वाट का होम थिएटर है। बहुत साउंड क्वालिटी बड़ी ज़बरदस्त है इसकी, बहुत अच्छी क्लियरिटी है साउंड क्वालिटी। और मैं आपको दोस्तों इसका साउंड जो है मतलब हमारे रूम के लिए बहुत बेहतर है। हमारा रूम जो है लगता है मुझे 8x15 का है लगभग, ये दिखाया हम आपको, ये रूम हमारा 8x15 का है। तो इस कमरे में इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है, बहुत। तो आपको कैसा लगा ये होम थिएटर आप बताना, और हम आपको एक म्यूजिक प्ले करके और सुनाते हैं, ठीक है। हमारा नेट घूम गया है, एक मिनट। Thank you.
पूरे देश हम इसमें चला रहे हैं ताकि कॉपी राइट ना आए, नया नया चैनल है हमारा कॉपी राइट आ जाए। कैसी लगी वीडियो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारा होम थिएटर कैसा लगा, वीडियो आपको कैसी लगी। राधे राधे।